हेलो एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू कंक्लूड लेवल टू ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बाय डिस्कसिंग क्वेश्चन फोर्टी वन टू फिफ्टी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन फोर्टी वन क्वेश्चन फोर्टी वन हमें क्या बोल रहा है द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन बी अरेंज तो हमारे पास कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और यहाँ पर क्लोरिन की बात हो रही है तो ऑक्सीजन के बाद है फ्लोरिन देन क्लोरिन तो हमारे पास थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है तो क्लोरीन की ज़्यादा होगी और लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारे पास क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास सबसे कम होगी नियरली जीरो के बराबर होती है बिकॉज ये हाफ फील्ड स्ट्रक्चर बना रहा है जो कि स्टेबल कॉन्फिग्रेशन होता है स्टेबल कॉन्फिग्रेशन इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो नियरली इक्वल टू होती है जीरो के तो हमारे पास क्लोरीन हो गया क्लोरीन के बाद में हमारे पास कौन सा आएगा यहाँ पर ऑक्सीजन देन कार्बन और नाइट्रोजन में से कार्बन की ज़्यादा हो जाएगी कंपेयर टू नाइट्रोजन तो इस बेसिस पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है फोर्टी टू इसमें बोला गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स द ऑर्डर इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट तो इंक्रीजिंग साइज हमने को देखनी है तो अपने पास देखिए फ्लोरिन सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम थ्री प्लस इन सब में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि अपन काउंट करने की बात करें तो ये सारे के सारे कितने हैं टेन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमारे पास यदि अपन देखें जेड इफेक्टिव जो होता है वो जेड माइनस सिग्मा होता है यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइजो इलेक्ट्रॉनिक वाले केसेज आएंगी तो सिग्मा हमारे पास कॉन्स्टेंट हो जाएगा दैट मीन्स यदि एटॉमिक नंबर जेड बढ़ता जाएगा तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज़ होगी रेडियस डिक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी इंक्रीज़ होगी तो इस बेसिस पे आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होना चाहिए एल्यूमिनियम थ्री प्लस का जेड एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है तो इसके सबसे ज़्यादा देन मैग्नीशियम टू प्लस देन सोडियम प्लस देन एफ माइनस तो अपने पास यहाँ पर ये यह ऑप्शन दिया हुआ है क्या यहाँ पर हमारे पास इंक्रीजिंग साइज़ का ऑर्डर पूछा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जस्ट रिवर्स ही होगा तो यहाँ पर एल्यूमिनियम थ्री प्लस की साइज़ सबसे कम होगी इसी वजह से हमारे पास क्या हो रहा था यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा हो रही थी तो इस तरह से हमारा साइज का ऑर्डर हो जाएगा तो ये साइज का ऑर्डर ट्रू है आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें बोरोन कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो हमारे पास इस तरह से देखें लिथियम बेरेलीम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन नियोन सबसे ज़्यादा नोबल गैसेस की होती है इसके अलावा यहाँ पर बेरेलीम एस टू कॉन्फिग्रेशन है और नाइट्रोजन पी थ्री स्टेबल कॉन्फिग्रेशन होने की वजह से इसकी आइनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज़्यादा होगी और इसकी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी ठीक है तो हमारे पास आई ई वन का यदि अपन ऑर्डर लिखते हैं तो क्या होता है सबसे ज़्यादा नियोन की देन हम यानी आप इस तरह समझ सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयोनाइेशन एनर्जी इंक्रीज होती है तो बोरोन और बेरेलियम ये एक इंटरचेंज हो जाएगा उसके साथ कार्बन देन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फिर फ्लोरीन और सबसे हाईएस्ट नियोन की हो जाएगी तो यहाँ पर हमारे पास बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन अपन मार्क करें बोरन कार्बन नाइट्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन तो ये इनकरेक्ट दिख रहा है अपने को तो ऑप्शन ये वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर यही हो जाएगा ठीक है पर बाकी ऑप्शन को भी अपन देख लें जैसे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमारे पास क्लोरीन की ज़्यादा होती है थर्ड पीरियड एलिमेंट है देन सेकंड पीरियड और टॉप टू बॉटम जाने में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाती है तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है इंक्रीजिंग मेटलिक रेडियस तो मेटल्स हमारे पास टॉप टू बॉटम जा रहे हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम रोबीडियम तो हमारे पास लिथियम इस तरह से टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी रेडियस भी बढ़ेगी तो यह वाला भी स्टेटमेंट ट्रू है तो केवल इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर बी हो जाएगा नेक्स्ट है फोर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रोंग वंडरवाल रेडियस ऑफ आयोडीन इज मोर देन इट्स कोवलेंट रेडियस तो हमारे पास रेडियस की यदि अपन बात करते हैं तो वंडरवाल रेडियस जो होगी वो हमेशा नो मोस्टली नोबल गैसेस के लिए डिफाइन होती है वांडरवाल रेडियस सबसे ज्यादा होगी वांडरवाल रेडियस हमारे पास रेड सॉरी मेटलिक रेडियस रेडियस ठीक है तो इस बेसिस पे आप ए ऑप्शन को देखेंगे तो ये ट्रू स्टेटमेंट है फिर बोल रहे हैं ऑल आइजो इलेक्ट्रॉनिक बिलोंग टू सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल तो बिल्कुल सही नहीं है जैसे कि हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा था एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सोडियम फ्लोरिन तो फ्लोरिन हमारे पास सेकेंड पीरियड एलिमेंट है और ये सारे के सारे क्या है थर्ड पीरियड एलिमेंट है ठीक है तो इस बेसिस पे ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा ठीक है तो अपने को फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है पर अपन बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि वो करेक्ट है नहीं है अपने को सी ऑप्शन देखा आई ई वन ऑफ नाइट्रोजन इज हाइयर देन देट ऑफ ऑक्सीजन तो इसका तो लॉजिक सही है कि हमारे पास यहाँ पर स्टेबल कॉन्फिग्रेशन है इसलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो क्या होगा नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा पर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो यानी एन प्लस और ओ प्लस अब ऑक्सीजन प्लस जो है वो हमारे पास नाइट्रोजन लाइक का स्ट्रक्चर हो गया और एन प्लस कार्बन लाइक स्ट्रक्चर हो गया तो अब यहाँ पर किसकी होगी ये तो यहाँ पर आई ई टू की यदि अपन बात करते हैं तो आई टू में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा किससे नाइट्रोजन से तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया फिर अपने को बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट जीरो वाइल दैट ऑफ फास्टफुरस इज़ 74.3 फोर पॉइंट थ्री किलोजूल तो हमारे पास फास्फोरस थर्ड पीरियड एलिमेंट है तो थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड एलिमेंट के बेसिस पर अपन देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी ज़्यादा होगी फर्स्टफुरस की ज़्यादा होगी नाइट्रोजन से तो यहाँ पर फास्फोरस मे बी स्टेबल कॉन्फिग्रेशन है आउटर मोस्ल में हाफ फील्ड है बट कंपेयर टू नाइट्रोजन यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है क्योंकि यहाँ पर थ्री पी और है जिसकी साइज टू पी और से ज़्यादा है बट नाइट्रोजन के केस में टू पी और की साइज कम है तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो नेक्स्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ईजिली एड नहीं हो सकता तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है नियरली जीरो के बराबर होती है फॉस्फोरस में भी स्टेबल कॉन्फिग्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम ही होगी इसलिए डेल्टा एच ई जी जो इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड में कम होगी ठीक है तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है फोर्टी फोर इसे बोला गया है कंसिडर द फॉलोइंग रे कन्वर्जेंस यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या क्या किया गया ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ओ माइनस बन गया फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो फ्लोरीन माइनस क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन माइनस और ओ माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ओ टू माइनस डेल्टा एच फोर हमारे पास दिया गया तो यानी ये जो है डेल्टा एच वन डेल्टा एच टू और डेल्टा एच थ्री ये तीनों के तीनों टर्म्स तो हमारे पास क्या होंगे नेगेटिव होंगे बट डेल्टा एच फोर जो होगा वो केवल क्या होगा पॉजिटिव होगा ठीक है तो अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है डेल्टा एच थ्री इज़ मोर नेगेटिव देन डेल्टा एच वन एंड डेल्टा एच टू तो हमारे पास सिंपली यही पूछा गया है कि डेल्टा एच वन और डेल्टा एच टू से ज़्यादा डेल्टा एच थ्री की वैल्यू आ रही है तो सही बात है क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो हाइएस्ट होती है हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसलिए हाइस्ट डेल्टा एच ई जी इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी हाइएस्ट यहाँ पर हो जाएगी ठीक है तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है फिर अपने को बोला गया डेल्टा एच वन इज लेस नेगेटिव देन डेल्टा एच टू तो डेल्टा एच वन जो होता है वो लेस नेगेटिव है देन डेल्टा एच टू यानी मैग्नीट्यूड वाइज डेल्टा एच वन जो होगा लेस देन होगा डेल्टा एच टू से ऑन मैग्नीट्यूड वाइज अपन सिंपली ये पूछ रहे हैं तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर यदि मैं बोलूँ तो किसकी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन और फ्लोरीन लेफ्ट तो टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है तो फ्लोरीन की ज़्यादा होगी तो यहाँ पर डेल्टा एच ई जी यहाँ का जो डेल्टा एच टू है वो मोर नेगेटिव होगा मोर नेगेटिव होने का सिंपल सा मीनिंग है कि इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो डेल्टा एच वन से क्या हो ज़्यादा हो ठीक है तो यही एक्सप्रेशन में ये बोल रहा है तो हमारे पास ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा सी ऑप्शन देख लेते हैं डेल्टा एच वन डेल्टा एच टू डेल्टा एच थ्री आर नेगेटिव वेर इज डेल्टा एच फोर इज पॉजिटिव ये भी ट्रू स्टेटमेंट है डेल्टा एच वन और एच थ्री आर नेगेटिव बट डेल्टा एच टू यहाँ पर पॉजिटिव बोल रहा है फ्लोरीन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अटेंड कर रहा है तो डेल्टा एच टू यहाँ पर नेगेटिव ही होगा ठीक है नोबल गैसेज और यह स्टेबल कॉन्फिग्रेशन होते वक्त हमारे पास डेल्टा एच यानी इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी क्या होती है पॉजिटिव होती है तो ये वाला फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर नेक्स्ट है फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव में हमारे पास यहाँ पर कुछ एलिमेंट दिए गए हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज दी गई है और उनसे अपने पास कुछ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करके अपन चेक कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे नहीं करेंगे आइदर इन देयर फो फ्यूज स्टेट और इन सोल्यूशन फीस तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं एक लॉजिक याद रख सकते हैं डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि हमारे पास जीरो पॉइंट फाइव आ रहा है तो हमारे पास वहाँ पर क्या होगा कोवलेंट बोंड होगा ठीक है इफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो जीरो पॉइंट फाइव से वन पॉइंट सिक्स के बीच में है तो वहाँ पर पोलर कोवलेंट बोंड का फॉर्मेशन होगा ठीक है यानी कोवलेंट बोंन्ड तो होगा बट पोलर नेचर वहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे इफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हमारे पास ग्रेटर देन टू है तो वहाँ पर आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यदि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 1.6 से 2 के बीच में है ठीक तो यहाँ पर अपने पास दो केस बन जाएंगे कि हमारे पास वन ऑफ द एलिमेंट यदि मेटल है तो वह आयनिक नेचर शो करेगा यानी आयनिक बॉन्ड बन जाएगा और दोनों के दोनों ही मेटल्स हमारे पास नॉन मेटल्स हैं तो वो पोलर कोवल एंड बॉन्ड होगा ठीक है तो अपने पास यदि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की बात आएगी तो क्या हो सकता है कि हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स है वो उनके फ्यूज़्ड एज वेल एज सोल्यूशन दोनों ही फेज में कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बट पोलर कोवलेंट बॉन्ड है वो केवल सोल्यूशन फेज में कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी ठीक है कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेंगे तो अपने को यही चीज़ देखनी है कि सबसे पहले अपन ने डबलू जेड देखा तो डब्लू की हमारे पास इलेक्ट्रो नेगेटिविटी टू पॉइंट सेवन है जेड की देखें अपने पास थ्री पॉइंट फोर इस तरह से ही वाई जेड अपन लिख लें एक्स जेड लिख लें और डब्ल्यू एक्स लिख लें ठीक है तो वाई जेड अपने पास क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट एट थ्री पॉइंट फोर एक्स जेड हमारे पास कितना हो जाएगा टू पॉइंट वन थ्री पॉइंट फोर एक्स हमारे पास कितना हो जाएगा टू पॉइंट सेवन और टू पॉइंट वन ठीक है तो इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं डब्ल्यू जेड हमारे पास आ रहा है जीरो पॉइंट सेवन वाई जेड हमारे पास कितना आ रहा है वन पॉइंट सिक्स एक्स जेड हमारे पास कितना आ रहा है वन पॉइंट थ्री और यहाँ पे WX एक्स कितना आ रहा है जीरो पॉइंट सिक्स ठीक है तो हमारे पास जीरो पॉइंट सेवन आ रहा है किसमें पोलर कोवलेंट करेक्टर में तो पोलर कोवलेंट करेक्टर में क्या बोला गया यहाँ पे डब्ल्यू does डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन and एंड फ्यूज स्टेट तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट है केवल सोल्यूशन फेज में ही कंडक्ट करेगा ना कि सॉलिड या फ्यूज स्टेट में वाई जेड वाई जेड हमारे पास वन पॉइंट सिक्स है तो ये भी हमारे पास किस में आ रहा है वन पॉइंट सिक्स से टू वाले रेंज में आ रहा है बट यहाँ पर, यहां पर Y जो है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है जीरो पॉइंट एट जो कि नियरली सोडियम की होती है तो हमारे पास ये मेटल आ गया तो मेटल आने की वजह से आयनिक नेचर होगा यानी हमारे पास फ्यूज एज वेल एज सोल स्टेट में क्या करेगा ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को ठीक है तो हमारे पास क्या देख लेते हैं तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा ठीक है फिर अपने को बोला गया एक्सजेड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन सॉल्यूशन फेज तो हमारे पास एक्सजेड जो है वो हमारे पास पोलर कोवलेंट नेचर का आ जाएगा तो सॉल्यूशन फेज में ही कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी ये भी ट्रू हो गया फिर बोला डब्ल्यू एक्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन फ्यूज स्टेट डब्ल्यू एक्स हमारे पास है जीरो पॉइंट सिक्स तो ये हमारे पास पोलर कोवलेंट है फ्यूज स्टेट में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा ये केवल सोल्यूशन फेज में कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी तो इनकरेक्ट हो जाएगा ये ऑप्शन डी हमारा या फिर करेक्ट आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट है फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि इन द कंपाउंड एम ओ एच द एम ओ बॉन्ड विल बी ब्रोकन तो इसके लिए आप इस तरह से लॉजिक रख सकते हैं कि हमारे पास एम ओ एच हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी टू पॉइंट वन होती है ठीक है तो इसके दो केस बनाए जा सकते हैं केस फर्स्ट हमारे पास यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन टू पॉइंट वन तब हमारे पास क्या होगा एम ओ एच में से यदि ये, ये ग्रेटर देन टू पॉइंट वन है तो ये अपने साथ ऑक्सीजन को ले जाएगा और हमारे पास बन जाएगा एम ओ माइनस एच प्लस सिमिलरली केस टू अपन यदि देखें केस टू में यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस एम एलिमेंट इज लेस देन टू पॉइंट वन तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा लेस देन हमारे पास टू पॉइंट वन है इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाइड्रोजन ले जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा एम प्लस और ओ एच माइनस ठीक है तो इस बेसिस पे अपन देखें यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू पॉइंट वन है और इसकी ग्रेटर देन टू पॉइंट वन है तो ऑक्सीजन और इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा कम होगा लेस डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे 2.1 पॉइंट वन है और इसके पास में 2.1 पॉइंट वन से कम है तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है मोर डेल्टा ई एन तो हमारे पास मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड कब ब्रेक हो रहा है जब हमारे पास मेटल ऑक्सीजन के बीच में डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है लार्ज है कंपेयर टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो 46 में हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर ब्रेकिंग मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड ठीक है नेक्स्ट है फोर्टी इसमें बोला गया एक्वस सोल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड्स यहाँ पर दिया हुआ है एम OH और यहाँ पर दिया हुआ है एम ठीक है इसमें मेटल इसकी दीवी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थ्री पॉइंट फोर इसकी दीवी है वन पॉइंट टू और हाइड्रोजन की होती है टू पॉइंट वन और यहां पर भी टू पॉइंट वन तो यहाँ पर थ्री पॉइंट फोर इसकी ज़्यादा है इसलिए ये अपने साथ इस ऑक्सीजन को साथ ले जाएगा जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने किया है तो यहाँ पर एम वन ओ माइनस और एच प्लस बन जाएगा और यहाँ पर एच की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो ये अपने साथ लेके चला जाएगा तो ये बन जाएगा एम प्लस प्लस ओ एच माइनस तो ये एच प्लस अपने को इंडिकेट कर रहा है कि सोल्यूशन क्या हो जाएगा एसिडिक और ओ एच माइनस इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा बेसिक तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ठीक है नेक्स्ट है फोर्टी एट में बोला गया इफ़ द आयोनाइजेशन एन थेल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एन थेल्पी ऑफ एन एलिमेंट आर गिवन टू सेवेंटी फाइव एंड एट्टी सिक्स किलो कैलोरी पर मोल रेस्पेक्टिवली देन द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट ऑन द पोलिंग स्केल इज तो पोलिंग स्केल पे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की अपन बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 5.6, बट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये दोनों जो हैं वो किस में होंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होंगे तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने पास जो दिया गया है उसका समेशन कर देते हैं टू सेवेंटी प्लस 86, ये हमारे पास आ जाएगा 361 किलो कैलोरी पर मोल ठीक है तो हमारे पास वन जूल अपने पास लिख दें तो हमारे पास वन जूल के बराबर कितना होता है फोर पॉइंट वन एट कैलोरी तो इसे किलो कैलोरी पर मोल से किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो थ्री सिक्सटी वन इंटू फोर पॉइंट वन ऐट किलो जूल पर मोल आ गया तो हमारे पास हो जाएगा कितना इसको सॉल्व करोगे तो वन फाइव वन पॉइंट फोर टू किलो जूल पर मोल ठीक है बट किलो जूल पर मोल को अपने को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आइटम में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास वन जूल जो होता है दैट इज 6.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू द पावर एटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है तो ये वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं वन फाइव वन जीरो पॉइंट फोर टू किलो जूल है यानी टेन टू द पावर थ्री वन जूल को आप लिख सकते हो सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू द पावर एटीन तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और मोल को भी एटम में कन्वर्ट करना है तो सिक्स पॉइंट ज़ीरो टू टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री एटम्स होते हैं एक मोल में तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 15.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ठीक है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमारे पास कितनी हो जाएगी 15.67 डिवाइडेड बाय 5.6 जो कि नियरली बराबर होगी किसके 2.8 के ठीक है तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी नाइन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द रेडियस ऑफ एन एन इज लार्जर देन दैट ऑफ द पेरेंट एटम तो सही बात है कि हमारे पास कोई एटम ए है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया तो ए माइनस बन गया तो हमारे पास यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो होगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बढ़ गए इसलिए साइज़ हमारे पास ए माइनस की ज़्यादा हो जाती है तो ये वाला ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा फिर बोल रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन ए पीरियड तो सही बात है लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है यानी जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास रेडियस डिक्रीज़ हो रही है और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है इंक्रीज़ हो रही है तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है फिर बोला गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज द टेंडेंसी ऑफ एन आइजोलेटेड एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन तो ये जो आइजोल एटम आइजोलेटेड एटम जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है दैट इज़ नॉन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि बॉन्डेड दो एटम है वो दोनों का जो न्यूक्लियस है वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस तरह किस तरह से अट्रैक्ट कर रहा है दैट टेंडेंसी इज़ नोन एज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी तो ये फॉल्स हो जाएगा तो फर्स्ट और सेकंड ही यहाँ पर करेक्ट ट्रू स्टेटमेंट है तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे नेक्स्ट है फिफ्टी इसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द प्रॉपर्टी मैंशन इन ब्रैकेट्स आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सल्फर क्लोरीन पोटेशियम कैल्शियम ठीक है सारे के सारे क्या हैं आइजो इलेक्ट्रॉनिक है आइज़ो इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटीन है तो हमारे पास जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा में देखें तो सिग्मा की वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो जेड इंक्रीज़ करेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा इंक्रीज़ करेगा तो रेडियस डिक्रीज़ होगी और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी ठीक है तो हमारे पास जेड की वैल्यू सबसे ज़्यादा कैल्शियम टू प्लस की है तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी ठीक है तो यहाँ पर अपने को क्या पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा फिर अपने को बोला गया कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरिन और ऑक्सीजन इसमें सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन तो इसमें से अपन ने C प्लस किया यहाँ पर N o यहां पर प्लस ओ प्लस और यहाँ पर फ्लोरिन प्लस ठीक है तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की यदि अपन बात करते हैं। तो नाइट्रोजन का स्टेबल कॉन्फिग्रेशन होने की वजह से इससे ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाता है फ्लोरीन यहाँ पर कार्बन लेस देन ऑक्सीजन लेस देन नाइट्रोजन लेस देन फ्लोरीन ये इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर था ठीक है बट अब यहाँ पे अपन कार्बन में देखें तो ये बोरोन लाइक स्ट्रक्चर हो गया है नाइट्रोजन कार्बन लाइक स्ट्रक्चर हो गया है ऑक्सीजन नाइट्रोजन लाइक हो गया है और फ्लोरीन ऑक्सीजन लाइक हो गया -like है तो इस बेसिस पे अपन आयोनाइजेशन एनर्जी यदि बोले तो हमारे पास ओ प्लस की ज़्यादा होगी देन एफ प्लस की देन एन प्लस देन सी प्लस तो ये सिंपली हमारे पास आई ई टू का ऑर्डर यदि अपन लिखें तो हो जाएगा ओ एफ एन सी तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्टली मैच कर रहा है तो ये ट्रू हो जाएगा ठीक है क्लियर इसी तरह से यहाँ पर अपन और स्टेटमेंट देखें जैसे सोडियम लिथियम मैग्नीशियम बेरेलीम और एल्यूमिनियम थ्री प्लस तो ये आयनिक रेडियस का इनका ऑर्डर हो जाएगा तो यहाँ पर अपन ने ये ट्रिक समझाई हुई है कि कैटायन और रनयन के केस में ऑर्डर लिखते वक्त आपको क्या रखना है तो आपको ये तीनों ग्रुप्स अटैच कर देने और क्या करना है कि हमारे पास ट्रिपल वन डबल टू वन टू वन टू थ्री टू ये ट्रिक याद रख के ऑर्डर लिख देना है तो उसके बेसिस पे अपन यहाँ पर ऑर्डर देखेंगे तो वो करेक्ट ऑर्डर दिया हुआ है और लास्ट सी ऑप्शन देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो हमारे पास बोरोन फैमिली में आप देखिए गौर से तो यहाँ पर 1.5, 1.5, 1.6, 1.7, पॉइंट टॉप टू बॉटम जाने पर एक तरीके से बढ़ ही रही है तो ये वाला भी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट नहीं होगा ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास ये एल्यूमिनियम थ्री प्लस और बेरेलीम टू प्लस में कॉन्ट्राडिक्शन है ऑर्डर में जैसा कि अपन ने प्रीवियसली समझाया उस बेसिस पे यह भी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा तो करेक्ट यहां पर केवल ऑप्शन बी होगा तो करेक्ट आंसर हमारा बी है ठीक है